मंडल मुख्यालय नालागढ़ में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह संक्षिप्त रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में उपमंडलाधिकारी नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने सर्वप्रथम शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात ध्वजारोहण किया व परेड की सलामी ली। इस अवसर पर SDM नालागढ़ ने अपने संबोधन में कहा कि 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के उन महान देशभक्तों के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। नीचे रख दो सर, टेबल पे ही यहाँ रख दो। और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग बेहतरीन कार्य कर रहा है और DMO साहब और प्रशासन के। इसके बाद शिक्षा विभाग से DRC या ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और कोई अधिकारी अगर यहाँ उपस्थित हैं, संयुक्त रूप से मंच पर आ सकते हैं। शिक्षा विभाग ने भी कर रहा है, हालांकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य करना इस क्षेत्र में गिना जाता है, क्योंकि देश प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। रामपुर पुरवाला से धन कौर पत्नी हाकम सिंह फ्रीडम फाइटर हमारे बीच। महोत्सव ओल्ड बॉय स्कूल नालागढ़ के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस आयोजन में क्योंकि कोविड की महामारी की गाइडलाइन को देखते हुए बड़ा संक्षिप्त सा कार्यक्रम किया गया और हमने इसमें परेड निरीक्षण से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का सम्मान और कोरोना के दौर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का भी इसमें सम्मान किया गया। साथ ही आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव की जो शपथ थी वो दिलाई गई और उसके बाद एक संक्षिप्त कार्यक्रम का समापन।